शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सवाल ऐसे नहीं आता, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे, जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है या एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया। मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं, चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है। यहां यहां कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी, सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देख। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पर लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया के तौर पर शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।